जब मैं बोल ही रही हूं, जब मेरे होठ मुंह बंद है तो आवाज कहां से आएगी? हाँ, अब आ गई ना आवाज। चलिए, सो वेलकम यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू टुडेज क्लास। दैट्स ऑन 29th of July। पूरा करते करते हमारा पूरा मंथ खत्म होने वाला है, 2 दिन ही बाकी है। पिछली क्लास में जैसे कि आपने देखा कि हमने पानी के बारे में डिस्कस किया था, और बहुत मजेदार क्लास थी। दैट वॉज अ वेरी नाइस क्लास, नाइस सेशन। उसमें बच्चों से हमने पूछा था कि भाई पानी का यूज कैसे करते हैं, तो बच्चों ने बताया क्लीनिंग में करते हैं, वॉशिंग में करते हैं, बैदिंग में करते हैं, कार वॉशिंग में करते हैं, पौधों को पानी देते हैं, है ना, बहुत सारे यूजेस बताए। फिर हमने डिस्कस किया था कि पानी में कौन से एनिमल्स रहते हैं। आपने बताया था क्रोकोडाइल, फिश, ऑक्टोपस, क्रैब्स, बहुत सारे बताए थे। फिर हमने डिस्कस किया था कि ऐसे कौन से फ्रूट्स है जिसमें पानी होता है, तो आपने बताया था क्यूकम्बर, वाटरमेलन, पाइन एप्पल, एप्पल, इन सबके अंदर पानी होता है ना। जब हम इनको काटते तो रस टपकता है ना, वो पानी होता है, ठीक है। फिर हमने आपसे ये भी पूछा था कि पानी कहाँ से आता है, तो हमारे घरों में तो बेटा पानी नलों से आता है, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, उनके पानी वो लोग, कोई कोई लोग नदी तालाब कुएं से भी पानी भरकर लाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमें कैसा पानी पीना चाहिए? तो हमें एकदम साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। क्यों? हमें गंदा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? हमें गंदा पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि गंदा पानी पी के हम बीमार पड़ जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। तो बीमार, बीमारी किसको पसंद है? आप बीमार होना चाहते हो? कोई भी बीमार नहीं होना चाहता, वेरी गुड, कोई भी बीमार नहीं होना चाहता, मैं भी नहीं होना चाहती। इसलिए हमें हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, यस, ठीक है। इसके अलावा ये भी था कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी कैसे ला सकते हैं, कि हमें पानी की बचत करनी चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को स्टोर। जैसे बारिश आ रही है, आपने बारिश में बाहर एक बाल्टी रख दी, अब वो बाल्टी भर गई, अब आप बोलो मैडम ये तो गंदा पानी है, मैं इसको क्या करूं? गंदा है, लेकिन सीढ़ियां धोने के तो काम आ सकता है, घर के बाहर धोने के काम आ सकता है, गाड़ी धोने के काम आ सकता है, पौधों को डालने के काम आ सकता है, तो उस पानी को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और अगर हमें ज्यादा बारिश चाहिए तो हम कैसे करेंगे? अगर हमें ज्यादा बारिश चाहिए तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। हम जितने ज्यादा ट्रीज प्लांट करेंगे उतनी ही ज्यादा हमें बारिश मिलेगी। जितनी ज्यादा हमें बारिश मिलेगी उतना मौसम अच्छा रहेगा, जितना मौसम अच्छा रहेगा हमारा मूड अच्छा रहेगा। गर्मी पड़ती है हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है, घबराहट भी होती है कि नहीं होती है ना। जब तेज गर्मी होती है हमें घबराहट होती है, लेकिन अब देखो मौसम आज अच्छा है, आज मुझे, मैंने फैन भी बंद कर रखा है, ठीक है। तो अच्छे मौसम में आपका आपका मन भी अच्छा हो जाता है, आपको अच्छा अच्छा लगता है, ठीक है। तो लेसन हमने फिनिश कर दिया था, अब मैं बेटा इसकी ले रही हूँ क्वेश्चन आंसर। सो सब लोग अपनी बुक ओपन करेंगे एंड टेक द पेंसिल्स इन योर हैंड्स। ये यहाँ पे एक्सरसाइजेस लिखा रहता है, एक्सरसाइजेस, यहाँ जो क्वेश्चन है आंसर मैं बोर्ड पे लिखूंगी पढ़ पढ़ के, और आपको बुक में लिखना है। टेक योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स। पहला क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग, नेम टू एक्टिविटीज फॉर विच यू नीड वॉटर। हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे दो काम बताइए जिसमें हमें पानी की जरूरत पड़ती है। तो पहला काम लिखो बाथिंग, आप नहाते हो तो पानी की जरूरत पड़ती है। दूसरा काम वॉशिंग, वॉशिंग कुछ भी हो सकता है, कपड़े धोते तो भी पानी चाहिए, बर्तन धोते तो भी पानी चाहिए, गाड़ी धोते तो भी पानी चाहिए होता है। दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? ओके, थैंक यू तेजस। तेजस फटाफट रिस्पॉन्स करता है। पहला स्पेलिंग है बेटा बैदिंग, बैदिंग का मतलब होता है नहाना। हम जो नहाते हैं सुबह सुबह, सुबह उठ के आप नहाते हो ना, सारे बच्चे नहा रहे हो ना, ऐसे नहीं कि घर पे हो तो नहाना नहीं है, हर रोज नहाना है, ओके। सो BATHING, बैथिंग, बात के आगे ING लगा दिया आप। दूसरा है वॉशिंग, वॉशिंग योर हैंड्स, वॉशिंग योर बॉडी, वॉशिंग योर क्लोथ्स, वॉशिंग योर यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट का आंसर। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, नेम एनी टू सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के दो सोर्स बताइए। पहला सोर्स तो है भाई रेन, सबसे ज्यादा पानी हमें मिलता है बारिश से। उसके बाद दूसरा सोर्स,
दूसरा कुछ भी लिख दो, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है रावत भाटा में क्या है, चंबल। चंबल क्या चीज है मनन? चंबल क्या है बेटा? रिवर। वेरी गुड। तो हम लिखेंगे रिवर, हमारा पानी चंबल से आता है, तो RIVER, रिवर। रिवर का मतलब होता है नदी, रिवर का मतलब होता है नदी। हमारे यहाँ पे कौन सी नदी है रावतभाटा में? चंबल। सबको याद होना चाहिए कौन सी नदी है, चंबल। चंबल। चलिए, यह हो गया आपका सेकंड आंसर। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। नेम एनी टू फ्रूट्स विच हैव अ लॉट ऑफ वाटर इन देम। डिंपल, कौन सा फ्रूट है जिसमें बहुत सारा पानी होता है? कुकम्बर। कोकोनट। कोकोनट में भी होता है, ठीक है। वाटरमेलन। नहीं मम्मी दिखने। वाटरमेलन और क्यूकम्बर भी लिख सकते हैं, एप्पल पाइनएप्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसने बोला कोकोनट, तो कोकोनट भी करेक्ट है, कोकोनट भी रॉन्ग नहीं है। कोकोनट में बहुत सारा पानी होता है, ठीक है, तो कोकोनट भी हम लिख सकते हैं। तो मैंने जो डिंपल ने बोला मैंने वो ही लिख दिया, वाटरमेलन एंड कोकोनट लिखी है, एंड बीच में दे रखा है आपके। आपको वो एक तरफ वाटरमेलन लिखना है, दूसरी तरफ कोकोनट लिखना है। आप चाहो तो आप पाइनएप्पल भी लिख सकते हो, आप चाहो तो आप क्यूकम्बर भी लिख सकते हो। जिसकी स्पेलिंग आपको अच्छे से याद है आप वो लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नेम्स ऑफ एनी टू कंटेनर्स इन विच यू स्टोर वाटर एट होम। आपके घर में पानी किसमें भरा जाता है? सबके घर में एक मटकी जैसी चीज होती है, मटकी। किस किसके घर में मटका है? मटका, पानी का मटका सबके घर में है। हम ज्यादातर इंडियंस के घर में मटका होता है। सो उसको क्या बोलते हैं मटके को? उसको बोलते हैं अर्दन पॉट। मैं दिख अर्दन पॉट, अर्दन पॉट। अर्दन पॉट का मतलब होता है मटका, मिट्टी का बना हुआ मटका, मिट्टी का बना हुआ मटका। और दूसरा, अभी गर्मी है तो हम किस में पानी भर के रखते हैं? फ्रिज में, बॉटल्स में। आप बॉटल्स में पानी भर के रखते हो, बॉटल्स। बॉटल्स में भी आप पानी भरते हो, अर्दन पॉट्स एंड बॉटल्स। अर्दन पॉट्स एंड बॉटल्स। फ्रिज में हम पानी बॉटल में भर के रखते हैं। कौन बोल रहा है मुझे दिख नहीं रहा बोर्ड? कौन बोला ये? किसको बोर्ड नहीं दिख रहा है? नाम बताइए अपना। मुझे नाम बताओ, किसको बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है? लिखो, इसके बाद मैं इसके आगे करवाती हूं। हाँ जी, फरमाइए। मैं मैथर की मम्मा बोल रही हूँ। हम लोग क्या मतलब जो लास्ट क्लास थी आपकी वो अटेंड नहीं कर पाए थे, मुझे हॉस्पिटल कोटा जाना था, ओके। तो पता नहीं आपने क्या करवाया था, एक बार आप बता दीजिए। जैसे नहीं करवाया अभी तो, पूरा पूरा रिकैपिटुलेशन अभी तो करवाया, नहीं, इसीलिए। मैं न्यू वर्ड्स करवा दिए थे क्या इस लेसन के? यस, न्यू वर्ड्स करवा दिए। आप किसी बच्चे को बोलिए, वो फोटो खींच के आपको भेज देगा, और आप इसको न्यू वर्ड्स की एक पेज छुड़वा दीजिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ, मुझे पूछने की जगह आप किसी पेरेंट्स को भी मैसेज कर सकते हैं, और आपस में कॉपरेट करिए एक दूसरे को, और सब ठीक है कॉपरेट मैम, करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल अथर्व एब्सेंट था, अगले बार कोई और एब्सेंट हो जाएगा, है ना? तो आप आपस में पूछ लिया करिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। सो वेरवर वी वर एट क्वेश्चन नंबर 4। हमें पूछा गया था कि हम पानी कहाँ स्टोर करते हैं, तो हमने अर्दन पॉट लिखा है। अर्दन पॉट में, आप में से कई बच्चे पूछ सकते हैं, मैडम अर्दन पॉट क्या होता है? अर्दन पॉट, जो आपके घर में एक गोल सी मटकी रखी हुई है, मिट्टी की बनी हुई मटकी रखी है, गोल गोल। अर्दन का मतलब अर्थ से बना हुआ। अर्थ किसका बना हुआ है? मिट्टी का। तो मिट्टी का बना हुआ जो गड़ा होता है उसको बोलते हैं अर्दन पॉट, मिट्टी के बने हुए बर्तन को।
तो मटके में भरते पानी और बॉटल्स में भरते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू वाटर एनिमल्स. ऐसे दो एनिमल बताने हैं जो पानी में रहते हैं. सिदीक्षा, सिदीक्षा फिश बताइए. और कछुआ. फिश, F I S H, फिश. और दूसरा कछुआ. कछुआ पानी में रहता है क्या? कौन यस मैम. सा वाला? मैम मैं कोई पता नहीं. कोई बात नहीं, फिर भी आपका आंसर सही था. कछुए बेटा दो तरह के होते हैं. सिदीक्षा ने जो बोला उसको मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. एक कछुआ होता है वो जमीन पे रहने वाला होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्टोइज. क्या बोलते हैं? बोलेंगे सब लोग बिना माइक ऑन किए, टॉर्टोइज. टॉर्टोइज जो जमीन पे रहता है. और जो कछुआ पानी में रहता है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? अवनी, टर्टल. वेरी गुड. टर्टल, TURTLE, TURTLE. ऐसे गाने की तरह याद करा करो, स्पेलिंग्स फटाफट याद हो जाएगी. मैं तो ऐसे ही करती हूँ. देखो, TURTLE, TURTLE. ऐसे याद करोगे तो मजे से याद हो जाएगी स्पेलिंग, है ना? ऐसे जैसे गाने गाते हैं ना, गाने कितने जल्दी याद हो जाते हैं हमें, फटाफट सारे सॉन्ग्स याद हो जाते हैं. तो आप स्पेलिंग्स को भी गाने की तरह याद करा करो, ठीक है? टर्टल. विहान आप लिख नहीं रहे, जल्दी लिखिए, देन आई विल रब द बोर्ड. यस, तेजस हैज कंप्लीटेड. वेरी गुड तेजस. राइटिंग अच्छी लिखना बेटा. कंप्यूटर के साथ साथ मुझे राइटिंग का भी बहुत इश्यू रहता है. जो बच्चे गंदा लिखते हैं मैं उनका काम पूरा काट देती हूँ. अच्छा अच्छा काम लिखना, सुंदर सुंदर राइटिंग में. वेरी गुड डिंपल, अवनी, अर्पण, अद्रित, अथर्व, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क. निकिता हैज ऑल्सो कंप्लीटेड, सिदीक्षा हैज ऑल्सो कंप्लीटेड, मनन हैज ऑल्सो कंप्लीटेड, आर्यन वर्मा हैज ऑल्सो कंप्लीटेड, अभिनव हैव यू कंप्लीटेड, यस. शिवांश हैव यू कंप्लीटेड बेटा? शिवांश हैव यू कंप्लीटेड? शिवांश यू कैन डू लाइक दिस इफ यू हैव कंप्लीटेड. ओके, सो शैल आई रब द बोर्ड? सबका कंप्लीट हो गया. मैम ओके, सो आई एम रबिंग द बोर्ड. अब मैं बोर्ड रब कर रही हूँ. क्या क्या फिर से देख लेते हैं. पानी किस किस में काम आता है? बाथिंग एंड वॉशिंग. फिर दूसरा क्वेश्चन था, पानी हमें कैसे मिलता है? रेन से मिलता है, रिवर से मिलता है, और भी है, पॉन्ड है, वेल है, पर हमें दो ही लिख लेते हैं इसलिए हमने दो लिखे. फिर था, कौन से फ्रूट में पानी होता है? वॉटरमेलन एंड कोकोनट. फिर था कि हम पानी किसमें स्टोर करते हैं, किसमें भर के रखते हैं? अर्दन पॉट एंड बॉटल्स. फिर था कि पानी में रहने वाले दो एनिमल्स बताओ. तो सिदीक्षा ने बताया फिश एंड, सिदीक्षा फिश एंड, वेरी मैम. गुड सिदीक्षा. डिंपल आपको नहीं बोलना है, आपको मैंने कल भी इस बात पे डांट लगाई थी, परसों भी. नेक्स्ट टाइम बेटा आप बोलोगी मैं आपको मौका नहीं दूंगी, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगी. जिन बच्चों को पूछा जा रहा है उसी को जवाब देना है, बाकियों को जवाब नहीं देना है. सिदीक्षा वेरी गुड. मैं ये देखना चाह रही थी कि सिदीक्षा ने ये वर्ड सीखा है कि नहीं, इसलिए कारण था कि मैं सिदीक्षा से पूछ रही थी. मैडम किसी को पूछती है ना तो उसका रीजन होता है बेटा. अब उसके नीचे दे रखे हैं आपके क्वेश्चंस, उसी के जस्ट नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो क्वेश्चंस हम आज करेंगे. क्या दे रखा है क्वेश्चन में? सबसे पहला क्वेश्चन है, हु ऑल नीड वाटर टू लिव. तो लिखो, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वॉटर टू
लीव, पूरा वन लाइन में सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ये पूरा आंसर हुआ। ऑल लिविंग थिंग्स, मैंने आपको लेसन के शुरू में बताया था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जितनी भी जिंदा चीजें हैं, उन सबको पानी की जरूरत पड़ती है, एयर की और पानी की, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वॉटर टू लिव। टेबल कुर्सी को जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्लांट्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, सबको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सब लिविंग थिंग्स है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू वी गेट वॉटर एट होम? We get water. We get water in our homes. In our homes का मतलब हमारे घर. In our homes through THROUGH, मैंने new words में लिखवाया भी था. Through taps. Taps का मतलब नल. हमारे घर में पानी कैसे आता है? नल से आता है. TAPS, steps, steps का मतलब नल, नलों से आता है। Next question, why should we boil water before drinking? Boiling kills the जर्म्स। बॉइलिंग करने, पानी को बॉइल करने से क्या होता है, उसमें जितने भी जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, कीड़े होंगे, वो सब मर जाते हैं, और फिर हम उस पानी को छान के अच्छे से पी सकते हैं। तो ऐसा पानी हम पिएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। बॉइलिंग किल्स द जर्म प्रेजेंट इन water, so we should boil it. इसलिए हमें इसको boil करना चाहिए। लिखिए, ये तीनों answer लिखिए, फिर दो question और बचे इस exercise के। साथ के साथ मैं meaning भी बताती जा रही हूँ। पहला था कि किस किस को जरूरत पड़ती है water की। All living things। आपके घर में table chair को पानी नहीं पिलाओगे तो मरेंगे नहीं, लेकिन अगर पौधे को पानी नहीं दोगे तो मर जाएगा। अगर बर्ड्स को पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगी। अगर डॉग को, काउ को पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। हमें नहीं मिलेगा तो हम भी मर जाएंगे। तो पानी और लिविंग थिंग्स का मतलब जितनी भी जिंदा चीजें हैं, जो सांस लेती है, उन सबके लिए जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि हमारे घर में पानी कैसे आता है। वी गेट वॉटर इन आवर होम्स थ्रू टैप्स। हमारे घर में पानी नल से आता है। थर्ड क्वेश्चन, हम पानी को बॉइल करके क्यों पिए? Boiling kills the germs present in water. Boil करने से उसके अंदर जो germs होते हैं, आप सब समझते हो germs का मतलब, वो germs को boil, जो boil करते हैं पानी को, तो सारे germs मर जाते हैं। So इसलिए हमें पानी को boil करना चाहिए। आंसर को लिखने के बाद एक बार फिर से रीड कर लिया करो, ताकि अगर कुछ छूट गया है हमसे, बीच में कोई वर्ड छोड़ दिया हो, तो आपको पता चल जाएगा। पूरा आंसर लिखने के बाद एक बार पढ़ लिया करो। डन मैम। नो नीड टू से डन मैम, अब मत बोलना। अंतिमा कंवर, तुम्हें बहुत बार वार्निंग दे चुकी हूँ, अब मत बोलना तुम। ओके अखर, ओके अर्पण, ओके तेजस, ओके निकिता,
ओके मनन, अभी बच्चे इतना लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। गौरव, सेन और प्रतीक ने क्लास अभी ज्वाइन किया है जब क्लास खत्म होने वाली है। अब तो 5 मिनट्स में क्लास खत्म ही होने वाली है, अब आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं इतना लेट। मैंने पहले से ही क्लास अटेंड कर रही थी, मेरे पापा का फोन आ गया। अच्छा ठीक है प्रतीक, क्लास टाइम पे ज्वाइन करना है। आपको टाइम भेजा जाता है, एक दिन पहले आपके व्हाट्सएप में टाइम भेजते हैं, उसके हिसाब से आपको क्लास ज्वाइन करनी है। लेट नहीं आना है क्लास में, एब्सेंट लग जाएगी लेट आओगे तो। प्रतीक दास के घर में दो दो मोबाइल से क्लास चल रही है क्या प्रतीक? तो अभी लिखा हुआ कैसे आया, प्रतीक दास लेफ्ट द मीटिंग, अभी मेरे पास लिखा हुआ आया है। बिहान, आपका काम कंप्लीट हो गया? हैव यू कंप्लीटेड बिहान? नहीं, मैं एक ही फोन से चलाती। हैव यू कंप्लीटेड बिहान? कंप्लीटेड, ओके। गौरव, ये क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट कर लेना, अपने किसी फ्रेंड से कॉपी या बुक ले लेना। सुनाई दिया गौरव को? गौरव, हाँ, किसी बच्चे से, अपने किसी क्लास के फ्रेंड से जो आपके आसपास रहता है, बुक और कॉपी लेके सारा काम कंप्लीट कर लेना, एग्जाम भी होने वाला है। ओके अद्रित, 3 4 दिन में आपका एग्जाम भी होने वाला है, एग्जाम में लेसन 1 से लेकर लेसन 5 तक आएंगे। क्या आप सारे बच्चे घर पे उसकी तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो, मम्मी पापा याद करवा रहे हैं? वेरी गुड, यस और नो, फिल इन द गैप्स, स्पेलिंग्स सब अच्छे से करना, क्वेश्चन आंसर ठीक है अच्छे से करना है, सब क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। सर, नहीं। नताशा माइक ऑफ मेरे करो अपना, को अपने लेसन के लिए उबर लेकर गए थे। कोई बात नहीं, किसी से पूछ के कर लेना। मैंने अभी आपको क्लास में आइडिया दिया, सब बच्चों को अलग अलग नहीं बोलूंगी मैं। अगर आप किसी दिन एबसेंट हो जाते हैं तो अपने किसी फ्रेंड से फोन करके और कॉपी का फोटो पिक मंगवा लिया करो व्हाट्सएप पे। आजकल तो सारे बच्चे भी एक्सपर्ट हो गए हैं, पापा मम्मी तो एक्सपर्ट है ही। तो अगर आपका काम, जैसे कि अभी अथर्व ने बोला कि उसका कल का काम नहीं हुआ, तो वो किसी बच्चे से कॉपी फोटो खींच के मंगवा लेगा और अपनी कॉपी में काम कर लेगा। समझ में आ गई बात? Everyone is completed. कोई बच्चा ऐसा है जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है? कोई बच्चा ऐसा है जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है? अंतिमा को मैंने मना किया था, बार बार बोल रही थी, मैंने क्लास से निकाल दिया है। अंतिमा कमर को मैंने क्लास से बाहर निकाल दिया है। मैंने आपके सामने उसको 2 3 बार बोला, बेटा मत बोलो, बार बार मत बोलो, वो बार बार माइक ऑन करके बोले जा रही थी, उसको मैंने क्लास से रिमूव कर दिया है। बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी क्लास में। आपको जो बोला गया है वो आपको ढंग से करना है। कंप्लीट हो गया? हैव यू कंप्लीटेड? ओके, जिस जिसका कंप्लीट हो गया है दे कैन लीव द मीटिंग। लेकिन बात सुन लो, आपको घर पर इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक
किसकी प्रिपरेशन करनी है? टेस्ट की। जो टेस्ट आपका होने वाला है उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे।